हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सेलुलर टाइप इंडोस्पर्म एंड हेलोबियल टाइप इंडोस्पर्म की। शुरुआत करते हैं सेलुलर टाइप इंडोस्पर्म से। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? फर्स्ट है द फर्स्ट एंड मोस्ट ऑफ द सक्सेसिव डिविजन्स आर इंक्लूडिंग वॉल फॉर्मेशन साइटोकाइनेसिस। उल्लेखनीय है कि जहाँ न्यूक्लियर टाइप एंडोस्पर्म में शुरुआत में केवल कैरियोकेनेसिस होता था, साइटोकेनेसिस नहीं। साइटोकेनेसिस अगर होता भी है तो बहुत ही वेरी लेटर स्टेज में, जबकि सेलुलर टाइप एंडोस्पर्म में क्या होता है कि कैरियोकेनेसिस और साइटोकेनेसिस सिमुल्टेनियसली होता है, यानी कि कैरियोकेनेसिस हुआ फिर साइटोकेनेसिस हुआ। मतलब क्या, अगर जो है वो न्यूक्लियर डिवीजन हुआ फिर जो है वो साइटोकाइनेसिस यानी वॉल फॉर्मेशन भी हुआ। तो इसलिए यहाँ लिखा गया कि फर्स्ट एंड मोस्ट ऑफ द सक्सेसिव डिवीजन्स आर इंक्लूडिंग वॉल फॉर्मेशन। यहाँ पर ये इंक्लूडेड होता है वॉल फॉर्मेशन, यहाँ लिख दिया है साइटोकाइनेसिस। नेक्स्ट है एम्ब्रायो सैक इज डिवाइडेड इंटू सेवरल चैम्बर्स। ये एम्ब्रायो सैक जब वाल फॉर्मेशन होगा तो स्वाभाविक है कि उसमें बहुत सारे चैम्बर्स बनेंगे। तो एम्ब्रायो सैक इज डिवाइडेड इंटू सेवरल चैम्बर्स। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है देयर मे बी एग्जिस्ट मोर देन वन न्यूक्लियस इन दिस कंपार्टमेंट्स। कि ये संभव है कि एक कंपार्टमेंट में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस भी हो सकते हैं, एक न्यूक्लियस भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि द फर्स्ट वॉल इज जनरली ट्रांसवर्स बट समटाइम्स वर्टिकल और ऑब्लिक। सामान्यतया तो ये जो फर्स्ट वॉल जो डिवीजन होगा वो ट्रांसवर्स होता है, लेकिन ये एक आवश्यक शर्त नहीं है, ये आवश्यक घटना नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ट्रांसवर्सली ही डिवीजन हो। कभी कभी लंबवत भी हो जाता है, वर्टिकल भी हो सकता है, कभी ऑब्लिक भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, फिफ्थ है इन सम केसेस द प्लेन ऑफ डिवीजन इज नॉट कांस्टेंट। ये प्लेन ऑफ डिवीजन जो है वो कुछ केसेज में क्या होता है, वेरिएबल भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि हमेशा कांस्टेंट हो। इसको फिगर से समझते हैं। ये एम्ब्रायो सैक है, यहाँ देख पा रहे हैं कि ओ स्पोर है जो कि जायगोट का रेस्टिंग फेज होता है, ये मैक्रोपाइलरिंड है, ये चेलेजरिंड है, ये पेन है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये डिवीजन हो रहा है, ये एम्ब्रायो सैक, ये माइक्रोपलर कंपार्टमेंट है, दो कंपार्टमेंट बन गए, एक माइक्रोपलर कंपार्टमेंट और दूसरा चेलेजल कंपार्टमेंट। माइक्रोपलर कंपार्टमेंट की तरफ जो है वो एम्ब्रायो सिचुएटेड है और इसके जस्ट सामने में ये चेलेजल कंपार्टमेंट। अब यहाँ पर जो इसका डिवीजन देख पा रहे हैं, ये डिवीजन माइक्रोपलर जोन जो है, ये माइक्रोपलर कंपार्टमेंट जो है, इसमें एक कंपार्टमेंट, दो कंपार्टमेंट, तीन कंपार्टमेंट, चार कंपार्टमेंट, पांच कंपार्टमेंट बना। तो देख पा रहे हैं कि इसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट बनते हैं एम्ब्रायो सैक में, किसमें, सेलुलर टाइप एंडोस्पर्म में। और एक बात ध्यान देने योग्य है कि इस एक कंपार्टमेंट में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस है, देख पा रहे हैं दो न्यूक्लियस। तो ये हम लोग समझ गए, जान गए कि सेलुलर टाइप एंडोस्पर्म में क्या हो सकता है कि जो फर्स्ट जो डिवीजन होगा वो इंक्लूडिंग वॉल फॉर्मेशन, इंक्लूडिंग वॉल होगा। एम्ब्रायो सैक में कई सारे चैम्बर्स हो सकते हैं, किसी खास चैम्बर में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस भी हो सकता है। प्रायः ये ट्रांसवर्स वॉल फॉर्मेशन होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं, वर्टिकल भी हो सकता है, ऑब्लिक भी हो सकता है। एग्जाम्पल है इसका धतूरा, पेटोनिया, एटीसी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम जानने वाले हैं
हेलोवियल टाइप एंडोस्पर्म, उसको समझते हैं। इसके करेक्टरिस्टिक क्या क्या है? पहला करेक्टरिस्टिक है कि हेलोवियल टाइप इज इंटरमीडिएट बिटवीन द न्यूक्लियर एंड सेलुलर टाइप। मतलब ये इंटरमीडिएट टाइप है। क्या मतलब इंटरमीडिएट टाइप का? ये दोनों के मध्य में है। किस दोनों के मध्य में? न्यूक्लियर टाइप और सेलुलर टाइप, अर्थात इसमें दोनों का गुण पाया जाता है। ये सेलुलर टाइप वाला भी गुण रखता है और न्यूक्लियर टाइप वाला भी गुण रखता है। दूसरा करेक्टरिस्टिक क्या है कि द फर्स्ट डिवीजन इज फॉलोड बाय ट्रांसवर्स वॉल रिजल्टिंग इन ए माइक्रोपाइलर एंड चैलेजल कंपार्टमेंट्स। जो पहला डिवीजन होगा वो ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, जिसके कारण कि दो चैम्बर बनेंगे। एक चैम्बर कहलाएगा माइक्रोपाइलर चैम्बर, जबकि दूसरा कहलाएगा चैलेजल चैम्बर या कंपार्टमेंट। तीसरा है फर्दर डिविजन्स अकर जनरली फ्री न्यूक्लियर टाइप एंड मे बी इन द माइक्रोपाइलर कंपार्टमेंट ओनली। अब ये पहला सेलुलर टाइप डिवीजन हो गया, वॉल फॉर्मेशन के साथ दो कंपार्टमेंट बने, पहला था माइक्रोपाइलर कंपार्टमेंट और दूसरा बना चैलेजल कंपार्टमेंट। अब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होना है, जो कि प्राय माइक्रोपाइलर कंपार्टमेंट में होता है, लेकिन ये आवश्यक नहीं। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन माइक्रोपाइलर कंपार्टमेंट में भी होगा और चैलेजल कंपार्टमेंट में होगा, लेकिन फर्क ये होगा कि माइक्रोपाइलर कंपार्टमेंट में जो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा रैपिड होगा देन चैलेजल कंपार्टमेंट की तुलना में। ओके, देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ फिगर को देख पा रहे हैं, ये एम्ब्रायोसेक है। एम्ब्रायोसेक में ये माइक्रोपाइलर इंड है, ये चैलेजल इंड। ये माइक्रोपाइलर इंड की तरफ ये वो स्पोर सिचुएटेड है जो कि जायगोट के रेस्टिंग फेज में को सूचित करता है। ये पेन है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये फर्दर जो इसका डिवीजन होता है ये माइक्रोपाइलर जोन में, ये एम्ब्रायो है। और हम देख पा रहे हैं कि ये जो माइक्रोपाइलर जोन है, इसका ये जो माइक्रोपाइलर कंपार्टमेंट में है, ये जो माइक्रोपाइलर कंपार्टमेंट है ये डिजर्व लार्जर एरिया देन चैलेजल कंपार्टमेंट। इसका एरिया काफ़ी बड़ा है चैलेजल कंपार्टमेंट की तुलना में। अब इसमें जो एंडोस्पर्म है उसका देख पा रहे हैं कि ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, ये एम्ब्रायो है, और जबकि चैलेजल कंपार्टमेंट में ये सेलुलर है। यहाँ पर फिर माइक्रोपाइलर जो जोन है, इसमें भी जो साइड्स में इसके बहुत पतले लेयर में इसका जो सेल वॉल बन रहा है, लेकिन ये दिख भी रहा है कि ये जो इसमें फ्री न्यूक्लियाई भी है। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि इसमें ये कंट्रास्ट है, दोनों में दोनों का प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, फ्री न्यूक्लियर भी और सेलुलर भी। इसलिए इसको हम इंटरमीडिएट एंडोस्पर्म डेवलपमेंट भी कहते हैं। ये हेलोबियल है, ये मोस्ट कॉमनली जो है ये मोनोकोट में इस तरह का पाया जाता है। एक एग्जांपल इसका ऑब्जर्व करते हैं। एग्जांपल है इरेमरस इज एन एग्जांपल ऑफ ए टिपिकल हेलोबियल एंडोस्पर्म। ये जो इरेमरस है इसको हम हिमालयन डेजर्ट कैंडल के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ही उल्लेखनीय है, इसको नोटिस किया जाए और इसको याद रखा जाए। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड्स ट्रांसवर्सली फॉर्मिंग टू कंपार्टमेंट्स। इसकी चर्चा की जा चुकी है कि ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है पेन, वो ट्रांसवर्स डिवीजन करके दो कंपार्टमेंट बनाएगा, माइक्रोपलर कंपार्टमेंट और चैलेजल कंपार्टमेंट। माइक्रोपलर कंपार्टमेंट बड़ा होगा, लार्ज इज माइक्रोपलर कंपार्टमेंट वाइल स्मॉल इज चैलेजल कंपार्टमेंट। अभी बताया जा चुका है कि ये माइक्रोपलर कंपार्टमेंट बड़ा है, चैलेजल कंपार्टमेंट छोटा है। फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स अकर इन बोथ कंपार्टमेंट्स बट डिविजन्स आर मोर रैपिड इन माइक्रोपाइलर कंपार्टमेंट देन चैलेजल पार्ट। दोनों में होगा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, बट ये रैपिड ज़्यादा होगा किसमें? माइक्रोपाइलर कंपार्टमेंट में,
देन चलेगा कंपार्टमेंट। इसको एग्जाम्पल ऐसे समझें, इन दिस वे देयर फॉर्म्स 8 न्यूक्लियाई इन माइक्रोपायलर कंपार्टमेंट एंड फॉर्म्स 4 न्यूक्लियाई इन चलेजल कंपार्टमेंट। अगर चलेजल कंपार्टमेंट में 4 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो रहा है तो माइक्रोपायलर कंपार्टमेंट में 8 होगा। अगर चलेजल कंपार्टमेंट में 8 हो रहा है तो माइक्रोपायलर कंपार्टमेंट में 16 होगा। अगर चलेजल कंपार्टमेंट में 30 से 32 होता है तो माइक्रोपायलर कंपार्टमेंट में लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो क्लियर हो गया होगा। यहाँ कुछ टर्म है उसको, उस कुछ फैक्ट है, उस जो रिमार्केबल फैक्ट है उसको हम लोग जाने। फर्स्ट, इन ऑर्डर ऑफ ऑब्यूल्स द चलेजल कंपार्टमेंट बिगिंस टू डिजनरेट। जब ऑब्यूल्स जो है वो मेच्योर ओल्डर हो जाता है तो क्या होता है, जो चलेजल कंपार्टमेंट है वो डिजनरेट होना शुरू कर देता है, वो नष्ट होना शुरू हो जाता है चलेजल कंपार्टमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, याद रखेंगे इसको। जब ओल्डर ऑब्यूल्स में क्या होता है कि चलेजल कंपार्टमेंट क्या होता है, वो डिजनरेट होना प्रारंभ कर देता है। फाइनली व्हेन सेल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन द माइक्रोपायलर कंपार्टमेंट द चलेजल कंपार्टमेंट विच इज डिनोटेड बाय सी सी शोज ओनली ए फ्यू डिसऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियाई। और ये जो डिजेनरेशन के बाद ये डिसऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियाई की तरह दिखता है। और ये हेलोबियल टाइप एंडोस्पर्म मोस्ट कॉमन होता है मोनोकोट्स में। तो आई होप स्टूडेंट्स आप हेलोबियल और सेलुलर टाइप एंडोस्पर्म को समझ पाए होंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय।